الجيش احنا في والله يعني وضعنا صعب كثير. الله يفرج احسن شيء. ايش بدنا نسوي؟ ليش عم تبكي حبيبي؟ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों देख रहे हैं ना आप वीडियो में, इस बच्चे को कैसे हो रहा है। ये आम बच्चा नहीं है, इसके बारे में आप लोग जानते नहीं। ये बच्चा वो है जो नबियों के और सहाबा और बुज़ुर्गों के शहर से ताल्लुक़ रखता है, सीरिया यानी कि मुल्क शाम, जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तिजारत की। वहाँ के वो मुहाजिर हैं ये, जिनके घरों को, मकानों को, रिहायशी इलाक़ों को काफिर लोगों ने, मुशरिकों ने, कमीनों ने तोड़ दिया, मिज़ाइल दागी तबाह कर दिया। अब इस वीडियो में देखिए बच्चा बेचारा कैसे सर्दी के आलम में, पानी में ये लोग रह रहे, ठंड में, और खेमे इनके गड़े हुए हैं, तो खेमे भी हवा ने उखाड़ दिए। अब ये कोई कौम वहाँ की रिलीफ वाले वहाँ मदद करने के लिए गए हैं और उसको जैकेट दिए बच्चे को, बेचारा पहनना है। कभी इनके भी ठाट होते थे। हैरत की बात ये, पूरी वीडियो देखिए आप, तब अंदाज़ा होगा। तो हम वीडियो में देख रहे थे कैसे ये बच्चे बेचारे वहाँ पर भूखे प्यासे खस्ता हाल, पानी भरा हुआ, कौन रहना पसंद करेगा? गरीब से गरीब आदमी ऐसे कैसे रह सकता है? लेकिन ये लोग कभी कैसे होते थे, इनके भी ठाट होते थे, मज़े होते थे, मकानात थे इन पे, सारी चीज़ें थी। लेकिन जब भाई हालात का चक्कर चलता है ना, सब उसमें आ सकते हैं। तो ये ऐसा हुआ है, और ऐसे लोग हर इलाके में हैं जिनके मकानों को, दुकानों को, कारोबार को लोगों ने, दुश्मनों ने तोड़ दिया है, जालिमों ने तबाह कर दिया है, और वो खेमे नसब करके, खेमे गाड़ के रह रहे हैं। सख्त सर्दी के आलम में ऐसी जगह आप जाइए, मदद कीजिए लोगों की। ये बहुत ज़रूरी काम है, इंसानियत का सबसे बड़ा काम ये है कि अगर हमारे अंदर इंसानियत ज़िंदा है। और इस मौके पे मैं आपको एक बार बताऊं, जो बेज़ुबान जानवर हैं, कुत्ते हैं, दूसरी कौम है, बिल्ली वगैरह, उनके लिए भी इंतज़ाम कीजिए। अगर हमने उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया तो क़यामत के दिन हमसे पूछ हो सकती है। आप देखिए ना, अभी कोई कुतिया जो बिया जाती है, बच्चे देती है वो, तो उस वक्त उसकी ये हालत होती है कि वहाँ सर्दी का आलम है और उनको ज़रूरत है बच्चों को। तो अपने घर में जो फटे पुराने कपड़े हैं, गोदड़ी वगैरह हैं, वो उनके ऊपर डाल दें, और उन्हें जो है इस तरह का सहारा दें, रोटी टुकड़ा दें। देखिए इंसानियत की बात है, अगर एक इंसान के दिल में ज़िंदा दिल नहीं है, इंसानियत के लिए गम नहीं रखता है, और ये जानवरों के लिए गम नहीं रखता है, तो उसे अपने आप को इंसान कहलाने की कतान ज़रूरत नहीं है। इंसान तो वही है ना जो दूसरों की मदद करें और दूसरों के काम आए। अल्लाह के नबी सलाम से एक सहाबी ने पूछा कि मैं सबसे अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। आपने फरमाया खैरुन्नास मन यन्फ़ुन्ना, सबसे अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह हम की तौफीक नसीब। अस्सलाम वालेकुम। लहज़ा كم ولد عندك اختي؟ اربعة. هاي لبس ناشف داخلي وخارجي ومعاطف من اخوك يعين فاعي.